हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाकी गवर्नमेंट शो पर। आज हम आपको बताएंगे कि जो BSTC अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, तथा तो इसके साथ ही जो BSTC सेकंड लिस्ट है वो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत समय लगा रही है, अभी तक भी जो BSTC की सेकंड लिस्ट है वो नहीं आई। उस BSTC की जो सेकंड लिस्ट है वो आने में इतना समय क्यों लगा रही है, तथा जो अब नई कॉलेज जुड़ने वाली है वो कितने कॉलेज जुड़ने वाली है, तथा वो कॉलेज कब तक जुड़ेंगे, कैसे उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही जब आपकी जो नई 30 कॉलेज मतलब जो नई कॉलेज जुड़ने वाली है वो जुड़ने के बाद आपकी जो अब नई कट ऑफ आएगी वो नई कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और तथा पास में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो BSTC का जो अपवर्ड मूवमेंट है, BSTC अपवर्ड मूवमेंट उसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि BSTC का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। जो BSTC का अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो या तो फिर कल तक आ सकता है, कल तक पूरे पूरे चांस है। आप ये मान के चलिए लास्ट आपके जो BSTC का जो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आने वाला है वो लास्ट आपका 1 से 2 दिन में आ जाएगा। इसलिए जो BSTC अपवर्ड मूवमेंट वाले हैं उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो अब जिन विद्यार्थियों ने भी फर्स्ट लिस्ट में जिनका चयन हो गया था और जिनका अपवर्ड मूवमेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म लगाया था, वो अब अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 1 या 2 दिन में उनके जो कॉलेज हैं वो उनको दोबारा से आवंटित हो जाएंगे। इसके बाद में उनको कॉलेज में क्या करना, वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए जो BSTC के जिन भी छात्रों ने अपॉइंट मूवमेंट की प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनका जो रिजल्ट वो आने वाला है बहुत जल्द। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो BSTC सेकंड लिस्ट है वो क्यों नहीं आ रही है अभी तक, वो और वो कब तक आने वाली है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो BSTC की जो सेकंड लिस्ट है वो आने में इसलिए समय लगा रही है कि तो पहला तो जो अपवर्ड मूवमेंट है इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और दूसरी बात कि अभी तक जो ये नई कॉलेज जुड़ने वाली हैं इनका अभी तक कोई पता नहीं है कि कितनी कॉलेज जुड़ रही हैं, इसलिए जो नई कॉलेज है ये जुड़ने में समय लगा रही हैं। जैसे ही आपकी जो ये नई कॉलेज जुड़ जाएंगी तो इन नई कॉलेजों के जुड़ने के बाद में आपकी जो सेकंड राउंड की जो लिस्ट आने हैं उसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये सेकंड राउंड की प्रोसेस शुरू होती है, BSTC जो नई कॉलेज जुड़ जाती है फाइनली, उसके लगभग आपको 1 या 2 दिन लेगा, BSTC ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दिन ले सकता है, ठीक है। जैसे ही आपकी जो इस नई कॉलेज जुड़ने वाली है वो जुड़ने के बाद, अब यदि बात करें कि आपकी जो BSTC की जो नई कॉलेज है वो कितनी जुड़ने वाली है, तो अभी तक जो हमारे मीडिया सोशल मीडिया के आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि जो नई कॉलेज है उन जो जुड़ने वाली है BSTC की जो सेकंड लिस्ट उसके अंदर उनकी संख्या लगभग 30 है। यानी कि जो आपके जो BSTC की जो नई कॉलेज जुड़ने वाली है उनकी संख्या 30 हो सकती है। इसलिए इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हद तक कम रहने वाली है। जो जैसे कि आपने देखा था कि BSTC जो फर्स्ट लिस्ट है उसकी कट ऑफ क्या गई थी, बहुत ही ज़्यादा गई थी, लेकिन आपके सेकंड लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। BSTC की जो सेकंड लिस्ट है उसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, जैसे ही क्योंकि इनमें जो आपके 30 नई कॉलेज जुड़ेंगी तो इसकी BSTC की सीटों में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें बढ़ोतरी होगी तो आपके जो कट ऑफ है वो कम रहने के काफ़ी चांस बनते हैं। तो जैसे ही आपकी जो BSTC की इन कॉलेज जुड़ जाते हैं तो इसमें लगभग आपके जो ये कट ऑफ कम रहेगी, सीटें बढ़ेंगी, तो और जो आपकी कट ऑफ है वो कितने तक रहेगी तो मैं आपको बता दूं कि लगभग आपके जो कट ऑफ है वो 375 के आसपास हो सकती है। सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ है वो आपको 375 के आसपास में देखने को मिल सकती है। इससे आपके 1 या 2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, 1 या 2 नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को पड़ेगा। इसलिए आप मान कर चलिए कि जिन भी विद्यार्थियों के 375 है उनका इस बार BSTC में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फिर उनको कॉलेज आवंटित कर दी जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, तथा BSTC से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।